राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड का अध्याय 6 से अध्याय 13 की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? शरद कुमार बोले, जब दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है, इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्णतः त्याग दिया है उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। ये सुनकर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है, हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाले हैं, अन्य देवता भी आप ही के वंशवर्ती हैं। शरद कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है, ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, ना वैसा सारथी कि जिसे साथ ले संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है, फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुनकर ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हों, हम सभी आपके रथ दिव्य रूप हो जाएंगे। शरद कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र होकर उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत दिया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया, पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले गए। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा, वे अपने को हत भागी मान दैत्यों के भाग की प्रशंसा करने लगे। इतने में ही कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहाँ से भाग चले। कई मुनि गिरे और कई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंघों का टेक पृथ्वी पर लेकर के गिर पड़े। फिर सभी एकत्र होकर विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बात कही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, शिव जी सभी गणों के अध्यक्ष हैं और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 करोड़ बार जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब फिर देवता शिव जी की आराधना करने के लिए स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सभी ने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर ने फिर से दर्शन दिए और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांग लो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ सारथी और धनुष बाण लेकर आओ। ये सुनकर सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, शरद कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे निर्माण किया? सूची कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा, तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया, उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ ना था, वह सर्वभूत में सुवर्ण का सर्वसम्मत था।
उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और खोडश कलाओं के 16 उसकी बाईं ओर के पहिए में लगे हुए थे। उनके 12 आरों में 12 आदित्य और चंद्रमा की द्वादश कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थी और ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु है वह सभी उसी रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। शरद कुमार जी बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी के वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जाने लगे और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगामी दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त कर लिया जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ लेकर त्रिपुरों को मालने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्यों गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। शरद कुमार जी बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त होकर त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन में खड़े रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन ना करेंगे तब तक त्रिपुर संहार ना कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निसम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्य के तीन पुर भस्म हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव की पूजा ना करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी की ओर देख कर कहा, शिव ये तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना ना छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वायु में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृक्ष सभी दानव जलकर क्षार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गढ़ हुए। व्यास जी बोले, महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। सूची कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते ना बनता था। इंद्र उपेंद्रादि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमस्तक किए खड़े थे। तब देवसेना की इस भयातुरता को देखकर ऋषियों से ना रहा गया और वे कुछ ना कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगी। ब्रह्मा जी भयभीत होकर देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे।
तब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की, तो लोगों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं वर मांगो। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करता रहूंगा। ये कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। शरद कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा, उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह महात्मा शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने के लिए चला गया। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए तथा शिव जी और विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है, इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गढ़ों की सप्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया था, यदि यह सत्य है तो कृपा करके मुझे शंकर जी का यह चरित्र भी सुनाइए। सूचि कहते हैं, जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तब सनत कुमार जी ने कहा, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा शिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा तथा कहा कि शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं चले गए। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे, मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता, अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुतियां भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र के गंभीर अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवन, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए, आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान ने अग्नि में अब अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर के परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले गए। तो दोस्तों, ये थी अध्याय 6 से अध्याय 13 की कथा। अगले अध्याय की कथा में हम जानेंगे जलंधर की उत्पत्ति।
तब तक के लिए नमो नारायण।